हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है ऋत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे प्राचीन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट के फोर्थ राउंड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। वैसे ये टूर्नामेंट सर्बिया में खेला जा रहा है। यहाँ इस गेम में रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला कजाक इंटरनेशनल मास्टर नोवाकबेक कजीबेक से था। तो शुरू करता हूँ कि यहाँ इस गेम को प्रज्ञानंद ने यहाँ e4 के साथ खेला। सिसिलियन डिफेंस c5 यहाँ नोवाकबेक ने किया। नाइट f3 हुआ, देन नाइट c6, बिशप b5, तो e6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। इसके बाद प्रज्ञानंद ने यहाँ कैसल किया। नाइट एट जी गोज टू e7, देन हुआ d4, सी टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, देन हुआ b6, देन बिशप वापस लिया। यहाँ व्हाइट ने अपना e2 स्क्वायर पर a6, देन हुआ c4, बिशप आया b7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप e3 फॉर व्हाइट, नाइट g6, देन नाइट b3 स्क्वायर पर। और यहाँ से क्या हो सकता है, सी पॉन आगे माइट भी देखते हैं। रुक आया c8 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, देन नाइट c3, नाइट एट सी गोज टू e5, देन क्वीन गई d4 स्क्वायर पर। तो ब्लैक ने यहाँ अपने क्वीन को लिया c7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो b6 पॉन पर काफी प्रेशर है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ क्वीन टेक्स b6 किया जाता है तो क्वीन टेक्स b6, बिशप टेक्स b6 एक ठीक ठाक ऑप्शन रहती, लेकिन उसके बाद यहाँ व्हाइट के इस नाइट पर भी प्रेशर हो सकता था। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया था रुक एट एफ गोज टू d1, देन हुआ d6, रुक एट ए गोज टू c1, देन नाइट आया वापस d7 स्क्वायर पर, f3, देन नाइट एट जी गोज टू e5, बन गई d2 स्क्वायर पर, देन नाइट आया f6 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को लिया a4 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा स्ट्रांग प्रेशर बनाया इस b6 पॉन पर। एक तरीका है कि पॉन आगे पुश किया जाए। ऐसा करने के बाद मेरे ख्याल से पॉन जीतने का मौका व्हाइट को मिलेगा, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। ब्लैक ने यहाँ अपने ई नाइट को वापस d7 स्क्वायर पर लिया, बिशप आया f4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस d6 पॉन पर अटैक है। तो इसका इलाज तो सिंपल है, ई पॉन को आगे पुश कर दिया जाए। वही हुआ भी, बिशप पर अटैक बना, बिशप वापस आया e3 स्क्वायर पर, देन बिशप e7, नाइट a1, और अब कहीं जाकर 20वें मूव के बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया नाइट c2, और यहाँ नाइट की रिपोजिशनिंग है। यहाँ से चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ये नाइट जाएगा। नाइट आया c5 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, नाइट c3, देन हुआ a5, ताकि व्हाइट का नाइट जा ही ना पाए और ये आउटपोस्ट मिल ही ना पाए उसे, बिशप f2। और फ्रेंड्स, यहां तक की गेम मैं कहूंगा कि ठीक है, व्हाइट को स्लाइट एडवांटेज है स्पेस का, लेकिन ब्लैक ने यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक c4, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा रिस्की मूव है, जस्ट सिंपली बिकॉज सामने रमेश बाबू प्रज्ञानंद खेल रहे हैं। एफ टेक c4 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स e4, और यहाँ क्वीन वैसे तो नाइट से लिया जा सकता था, अगर लिया जाता है तो अपनी तरह की कॉम्प्लिकेशन, दूसरा नाइट आ जाएगा। ओके राइट, तो क्वीन यहाँ से गई e2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स f2। क्वीन टेक्स f2 होने के बाद आखिर बिशप सेक्रीफाइस की वजह क्या हो सकती है? वजह है फ्रेंड्स यहाँ d5 का, और अगले मूव में बिशप यहाँ क्वीन को पिन कर सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ मूव कहूंगा। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी टेक्स d5 होता है तो बिशप c5, दैट मीन्स क्वीन इज पिन। हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन पहले यहाँ खेला गया नाइट टेक्स d5, नाइट को हटाया गया। नाइट टेक्स d5 होने के बाद हुआ सी टेक्स d5, और फिर इसके बाद बिशप आया c5 स्क्वायर पर, और अब नाइट आ सकता है आराम से। नाइट यहाँ गया e3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स जो स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर ब्लैक ने लगाया था वो थोड़ा सा मुझे वीक होता हुआ नजर आता है। क्यों? f5, और अगले मूव में इस एफ पॉन को आगे पुश करके नाइट को लेने की तैयारी है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ रुक टेक c5 किया जा सकता है, और वही काम यहाँ प्रज्ञानंद ने किया भी। क्वीन टेक c5 होने के बाद प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से काफी सॉर्ट आउट हो चुकी है। नाइट c4 फॉर व्हाइट, और यहाँ अगर आप देखें तो b6 पॉन पर अटैक है। e4 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और इंटेंशंस क्या है इसे e पॉन को एक कदम और आगे पुश करने की, लेकिन d6 यहाँ व्हाइट ने भी अपने पासर को काफी, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नाइट और रुक के द्वारा डिफेंडेड है, और नाइट ऑलरेडी यहाँ इस b6 स्क्वायर को टारगेट कर ही रहा है। रुक एट एफ गोज टू d8, देन फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर अभी नाइट टेक्स b6 किया जाता है, देन e3 क्वीन पर अटैक बन जाएगा, उल्टा नाइट यहाँ खतरे में आ चुका होगा। तो यहाँ पहले खेला गया क्वीन टेक c5, दैट इज बेटर। रुक टेक c5 होने के बाद पहले हुआ a4, देन किंग गया f7 स्क्वायर पर, फिर इसके बाद हुआ नाइट टेक्स b6। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम बन चुकी है, आई थिंक ब्लैक के लिए बेटर ऑप्शन थी रुक को c6 स्क्वायर पर लेकर जाने की। यहाँ
नाइट और पॉन दोनों पर अटैक होता, फॉक होती, हालांकि ये पीछे आ सकता था। देखते हैं, यहाँ खेला गया रुक सी टू। रुक सी टू से यहाँ इस बिशप पर अटैक तो बनता है, लेकिन बिशप के लिए बी फाइव स्क्वायर है और उल्टा यहाँ ये डी सेवन स्क्वायर पॉन के लिए बिल्कुल सेफ आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है। एफ फोर देन डी सेवन, जी फाइव देन नाइट आया सी फोर स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से नाइट जाएगा ए फाइव पॉन को लेने के बाद यहाँ इस बी सेवन स्क्वायर पर, ताकि रुक पर अटैक बना सके। ई थ्री देन नाइट टेक्स ए फाइव एज ऑब्वियस। रुक आया डी टू स्क्वायर पर फोर्सिंग रुक एक्सचेंज, प्रेशराइजिंग दिस पॉन। देन रुक ई वन, कोई जरूरत नहीं है रुक एक्सचेंज करने की, वैसे हो भी नहीं सकते। किंग एफ सिक्स देन नाइट गया बी सेवन स्क्वायर पर, फाइनली इस रुक पर अटैक बन ही गया है, तो ब्लैक को करना ही पड़ा रुक टेक्स डी सेवन। बिशप टेक्स डी सेवन, रुक टेक्स डी सेवन मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन बन सकता था। चार पॉन्स यहाँ व्हाइट के पास है, जिसमें से कि दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पासेस हैं, तो बहुत स्किलफुल गेम चाहिए होगा ब्लैक को इस गेम को ड्रॉ कराने के लिए, मैं ड्रॉ ही कहूंगा यहाँ पर। नाइट सी फाइव देन रुक आया डी फाइव स्क्वायर पर, नो यूज, क्योंकि बी फोर नाइट पर डिफेंस भी हो गया। किंग ई फाइव देन हुआ ए फाइव, रुक अब कहाँ जाए, आई थिंक डी एट स्क्वायर माइट बी एन बेटर ऑप्शन, लेकिन यहाँ हुआ रुक डी टू। रुक के डी टू स्क्वायर पर आने के बाद ए सिक्स, और ब्लैक के इंटेंशन क्या है, इन पॉन पुश हो रहे हैं यहाँ, इन्हें सेकेंड रैंक से रोकने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से ब्लैक को यहाँ अपने पहले किंग को मूव कर लेना चाहिए था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब अगर ये पॉन आगे पुश होते हैं तो ब्लैक यहाँ अपने रुक से इन्हें रोकने की कोशिश कर सकता है। व्हाइट का रुक डेफिनेटली अब ब्लैक के किंग को नहीं रोक पाएगा डी फाइव से राइट हैंड साइड पर, लेकिन यहाँ खेला गया रुक ए टू। स्ट्रेट फॉरवर्ड रुक के ए टू स्क्वायर पर आने के बाद, ठीक है अभी फिलहाल पॉन पर अटैक नजर आता है, लेकिन बी फाइव अब ब्लैक ज्यादा ज्यादा करेगा क्या। ब्लैक यहाँ अपने किंग को अगर डी फाइव में लेकर भी आ गया तो रुक से इसका डिफेंस आराम से हो सकता है नाइट का, और अपनी पोजिशन को यहाँ ब्लैक का एक किंग ज्यादा इम्प्रूव कर भी नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, रमेश बाबू प्रज्ञानंद की काफी स्ट्रांग गेम थी जो ऋत्विक गर्ग जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।